Hello, Joe. You are listening to Margaret Sen from Physics Open House. In the previous video, we have completed the orbital velocity. This topic is for 11th physics. ये टॉपिक 11th क्लास के लिए है. ऑर्बिटल वेलोसिटी का हम कर चुके हैं. एंड द आंसर वाज ऑर्बिटल वेलोसिटी बी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एस. दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस. नाउ वी विल फाइंड द हाइट ऑफ द जियो सैटेलाइट, देन वी विल डू एस के वेलोसिटी. सो फर्स्ट लेसन वी आर डूइंग to find the height of the geosatellite. Because time period is equal to circumference 2 pi r plus x upon velocity b. इस b की वैल्यू को पुट कर दो नंबर 2 में. पुटिंग नंबर 2, therefore time period is equal to 2 pi r plus x divided by under root gm upon r plus x. Therefore, again t is equal to 2 pi gm r plus x के power यहाँ पर आधा power total मिला करके हो गए r plus x की 3 by 2 power नीचे under root gm gr इसके ले सकते हैं जी आर स्क्वायर. बिकॉज जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर. स्क्वायर इन बोथ दी साइड टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर विदिन ब्रैकेट आर प्लस एक्स स्क्वायर दिया तो क्यू अपॉन T R square. Now your expression will be like this. T square, cos multiply कर दिया R square, G 4 pi square से divide कर दिया 4 pi square is equal to चेंज दी साइड ऑफ आर टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट माइनस आर. टी टाइम पीरियड 24 आवर है राइट हियर. टी 24 आवर रेडियस 6400 किलोमीटर. जी 0.0098 किलोमीटर में चेंज कर दिया. किलोमीटर पर सेकंड चेंज कर दिया हमने. और लगे आपका पाई यू नो और यू नो आर यू नो इनको सबको यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद योर आंसर विल बी 4600. और आंसर विल बी नियरली है. दिस इज नियरली कैलकुलेशन इज वेरी डिफिकल्ट. तो नियरली 36,000 किलोमीटर. इट विल बी 35 समथिंग बट वी हैव कैलकुलेटेड 36 एंड दिस विल बी 442. इसको माइनस कर दिया 36 आंसर आ गया. The height of the geostationary satellite above the Earth surface is 36,000 km. ये हमने आपको वहाँ पर बताया था when we were doing why they are called stationary
तो उसके अंदर एक पॉइंट ये भी था, फोर्थ पॉइंट, द हाइट ऑफ द स्टेशनरी जियो सैटेलाइट इज 36,000 किलोमीटर अबव आवर सरफेस, दिस इज अबव आवर सरफेस. This question has been completed. Now we will do the escape velocity. पहले आप लिखेंगे definition. Definition लिख लीजिए. What is escape velocity? It is the minimum velocity required for a satellite to escape out of Earth's gravitational force. कम से कम वेलोसिटी जो चाहिए सो दैट इट क्रॉसेस द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी. We will draw the formula. This is the definition. It is the minimum velocity required for a satellite to escape out of the Earth gravitational force. इसके लिए formula draw करेंगे. Now see the figure. इस figure में देखेंगे. This is the Earth. यहाँ पर कोई satellite है और mass m at a distance x from the center of the Earth. इसको हम इन्फिनिटी पर ले जाना चाहते हैं इसके पावर करने के लिए. पहले थोड़ा काम करेंगे, पी से क्यू चलेंगे, डी एक्स बर्डर निकालेंगे, फिर आगे ट्राई करेंगे. सो लेट अस कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m at a distance x from center of earth mass capital M, then gravitational force is equal to F capital G mass of the Earth, mass of the satellite, distance left beyond the x square. इतना फोर्स इस पर लग रहा है एट पी. इज दिस पॉइंट. अब इसको हम डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा. So, the work done, small work done. Small work done, small के लिए जिस जगह लिखते हैं to displace it through small distance dx, therefore dw is equal to gravitational force into dx from p to q. pq is dx, small distance pq is dx. p से q तक ले जाने के लिए burden, burden is equal to the force multiplied by displacement. फोर्स की वैल्यू लगा दीजिए डी डब्ल्यू स्मॉल वर्जन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो करेंगे टोटल वर्जन फॉर टोटल वर्क डन
कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर है एक्स इक्वल टू आर और यहाँ पर है एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। वन टाइम फ्रॉम एक्स इक्वल टू आर टू एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, इतना टोटल वन टाइम होगा। इक्वल टू W से लिखते हैं, टोटल हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया हमने, जी एम एम वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स इक्वल टू आर से एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। उनकी जगह में तो जानते हैं उनको, तो दे ऑलरेडी नो वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स, और जिनको नहीं आता वो याद कर लें। W इनका ये नियम होता है, इसके ऊपर पावर को ऊपर ले जाइए, एक जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आएगा ये आ गया, फिर ऊपर माइनस वन हो गया, नीचे माइनस आ गया, माइनस ये आ गया, और इसको वन अपॉन एक्स कर दिया, W माइनस वन अपॉन एक्स। ये हमने इंटीग्रेशन का मेथड बता दिया आपको। देयरफॉर W इज इक्वल टू जी एम एम, पहले हम लगाएंगे अपन लिमिट वन अपॉन इन्फिनिटी, ये तो वैसे जीरो हो गया, बर्डन वन अपॉन इन्फिनिटी, फिर आर लगा देंगे माइनस वन अपॉन आर, अगेन दी अगेन दी अगेन दी बर्डन, तो बर्डन में फोर्स माइनस लगाएंगे इसको, ये तो जीरो हो गया। और डब्ल्यू यू कर दो जी एम एम अपॉन आर, वन अपॉन आर हो गया, पहले आर पुट कर दिया, फिर ये कर दिया हमने, बर्डन जो है ग्रेविटेशन बहुत तो इधर को खींचेगा, तो आज ही सेंटर पर, और हम करेंगे ऊपर को, इसलिए हमें माइनस तरह से लगा लो, माने माने प्लस हो गया आंसर। तो बर्डन कहाँ गया है, वे दिस बर्डन एज बॉन, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दे एम फॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, एम से एम कट कर दो, टू जी एम अपॉन आर अंडर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जो बी आ गया एच के बाद लिखते हैं, देयरफॉर बी इज इक्वल टू जी एम, रिप्लेस कर दिया हमने जी आर स्क्वायर से, बी आर स्क्वायर एक आर नीचे दिया, कट कर दिया, आंसर आपका बचा अंडर रूट टू जी आर। तो अपन नेगेटिव का चक्कर समझो, वेल डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले लिखना भूल गए थे, दिया इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। स्टोर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हाफ एम बी स्क्वायर, एम से एम कट कर दिए, बी जी पर इतना आ गया, वैल्यू लगा दी जी आर, कैलकुलेट अभी करेंगे, ये फिगर है और ये सैटेलाइट, अब कहाँ कर दिया हमने, एस्केप आउट कर दिया, एस्केप आउट के लिए कैलकुलेट वेलोसिटी न्यूमेरिकल कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी, आंसर वेलोसिटी इफ यू वांट टू राइट ऐसे कह सकते हैं, यस अंडर रूट टू जी आर, वैल्यू लगा लो टू की वैल्यू, तो टू जी की वैल्यू 0.009 किलोमीटर में लगा है, इंटू 6400 और ये आपका आया किलोमीटर पर सेकेंड, और वैल्यू कैलकुलेटेड 11.3 के लिए अवार्ड देख सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी बॉडी को इसके नियर अबाउट इससे ज्यादा वेलोसिटी देते हैं तो वो अर्थ
कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको क्रॉस करके आगे चला जाएगा, इससे ज्यादा ज्यादा जाएंगे तो आगे जाएगा, अगर सिर्फ इतना ही जाएंगे करीब करीब नियर अबाउट एज के तो इसके भी होगा, इससे आगे मूव नहीं करेगा। जितनी वेलोसिटी ज्यादा देंगे उतना क्रॉस करने के बाद आगे मूव करेगा, राइट। इसको याद कर लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड एस्केप, रूट टू का वर्ब हो गया बी, ऑर्बिटल बी एस्केप, बी ऑर्बिटल आपका अंडर रूट जी आर, और ये आ गया अंडर रूट टू जी आर, इसका फर्क हुआ अंडर रूट टू का फर्क हुआ, तो बी एस्केप रूट टू टाइम्स बी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को अगर 1.41 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.414 इसलिए लो मल्टीप्लाई बाय बी ऑर्बिटल, तो आंसर आपका बी एस्केप आ जाएगा। यहाँ पर पूछते हैं बी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी को कितने परसेंट इंक्रीज करें के एस्केप आउट हो जाए, न्यूमेरिकल बाय हाउ मच परसेंट ऑर्बिटल वेलोसिटी बी इंक्रीज सो दैट बॉडी इज एस्केप आउट। दोनों वैल्यू आप जानते हैं, एस्केप वैल्यू अंडर रूट टू जी आर, ऑर्बिटल वैल्यू अंडर रूट जी आर, परसेंटेज निकालने के लिए ऑर्बिटल नीचे, ऑर्बिटल पर निकालने इंटू 100%, कितना आपको बढ़ाना है जो कल टू अंडर रूट जी आर कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया आपका टू रूट टू माइनस वन, अंडर रूट बाहर गया अंडर रूट जी आर कट कर दिया इंटू 100%, दिस इज आंसर। रूट टू की वैल्यू लगा दी 1.414 माइनस वन अपॉन वन इंटू 100%, आपका माइनस करने के बाद करीब करीब 414 इंटू 100% 41.4%, नियरली यू कैन हैव 42%। इफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज बाय 42%, अगर इतना हम देन इट विल एस्केप आउट, इट विल एस्केप आउट। ये जो एस्केप वेलोसिटी है ये तो जस्ट टू क्रॉस द अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को क्रॉस करने के लिए है। अगर आप आगे भी चलाना चाहते हैं, अगर आगे डेरिवेशन करेंगे तो उसके लिए तो इससे वेलोसिटी ज्यादा चाहिए, ताकि उसके लिए जो बचेगा वो कानी टूटेगी और वो जहां तक भी ट्रेवल कर देता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, एच के वेलोसिटी और मीटर का रिलेशन रूट टू का होता है, रूट टू टाइम ज्यादा होती है, रूट टू मीन्स 42% ज्यादा होती है, चाहे से याद कर लो न्यूमेरिकल है। हाइट ऑफ द सैटेलाइट बता दिया, जियो सैटेलाइट क्यों कहते हैं, दिशा में ऑर्बिटल वेलोसिटी टर्म और एस्केप वेलोसिटी टर्म। एस्केप वेलोसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। आज का काम यहीं तक है, इसको अच्छी तरह पढ़िए, याद कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।